सब्सक्राइब करन तो बीएल हेल्दी एंड ब्यूटी टिप्स ओडिया चैनल को बेल आइकन क्लिक करन तो सबुठ प्रथमे वीडियो देखिबा पाई। हाय फ्रेंड मु एसी एंड आज हम आलोचना करबा रसुण रे किछि फायदा विषय रे। साधारणत आम रसुण को खाद्य व्यवहार करण रसुण कौन सी भी प्रकार व्यंजन को स्वादिष्ट बनाई दिए। मात्र रसुण मध्य एपरी गुणकारी तत्व रही जहाँ आपण को अनेक रोग को उपशम दे था कारण रसुण में बहुमात्र रोग प्रतिरोध शक्ति भरपूर रही था। आयुर्वेद रसुण को औषध बोली कहते आपण रसुण को जपरी प्रक्रिया होज खाद्य सामिल करने उचित। मात्र प्रतिदिन सका खाली पेटर रसुण खावा द्वारा अधिक फायदा मिलता है। जो व्यक्ति मोटापण रक्षा पाइबा चाहती से मैंने जदि प्रतिदिन सका गरम पा सहित रसुण दुई कला खाइबे से पतला हवाक लगे। आज मुझे रसुण किसी गुण विषय टीप्स देवी आप स्वास्थ्य रक्षा करने हेल्प कर। रसुण हृदय संबंधी समस्या मुक्ति देथाय। रसुण खाइबा द्वारा रक्त जमाट बांधे नाही एवं हृदरोग जनित समस्या कम देखा जाय थाय। रसुण एवं महु मिसाई खाइबा द्वारा हृदय परस्पर रही थाय जहा हृदय पर्यंत सठिक भाव रक्त संचलन होइथाय। उच्च रक्तचाप मुक्ति बा हाई ब्लड प्रेशर रसुण खाइबा द्वारा उच्च रक्तचाप आराम मिलिथाय। तेणु उच्च रक्तचाप पीड़ित थिबा व्यक्ति को रसुण खाइबापाई परामर्श देवा उचित। पेट जनित रोग रक्षा पाइबापाई उदर बा पेट जनित रोग जथा डायरिया किंबा कोष्ठकाठिन रोग मुक्ति रसुण औषध रूपे व्यवहार करने द्वारा सफल मिलता है। पानी को फुटाई से किसी रसुण पाखुड़ा पकाई खाली पेट पानी को सेवन करूँ यहाद्वारा पेट रोग सुफल मिल। केवल यह नुहे शरीर भितर महजूद या विषाक्त पदार्थ को शरीर निर्गत करचन क्रिय कै रसुण में पचन क्रिया गुण पूर्ण मात्रा भरी रही। खाली पेटर रसुण पाखुड़ा चोबाइबा द्वारा हजम प्रक्रिया भल भाव होता है। भोक लगे चिंतारू मुक्ति आपण को यह जा आश्चर्य लगे रसुण चिंतारू मुक्ति लाभ साक समय पेट भितर एपरी एसीड प्रस्तुति होता है जहाद्वारा मन भितर अस्थिरता देखा जाए। रसुण यही एसीड प्रस्तुति हेबारु रोकी थाए। नियमित रसुण सेवन द्वारा मुंड व्यथा दूर होता है। यदि आपंकर दात विंधा हुए तो से आप रसुण को यूज करें। रसुण में एंटीबैक्टीरिया व्यथा निवारण गुण भरपूर मात्रा रे पूरी रही। जदि आप दात व्यथा करे रसुण एक पाखुड़ा को पेशी व्यथा हो स्थान में लेप प्रस्तुत कर लगातु यहाद्वारा दात व्यथार उपशम मिल। रसुण खाइबा द्वारा श्वासक्रिया संबंधी रोग मुक्ति मिलता है। थंडा काश आजमा निमोनिया ब्रोंकाइटिस भाई रोग से चिकित्सा पाई यह प्राकृतिक औषध भी कार्य करें। आशा करूँ फ्रेंड ये वीडियो आप स्वास्थ्य को सुस्थ रखापी हेल्प कर। जदि आप चैनल प्रथम थर आला बेल प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर बेल आइकन बजे दिंतु ताकि आम जहाँ भी न्यू वीडियो अपलोड हम सब प्रथम आपको तरह अपडेट मिल जाव। देखा आउ गोटे इनफर्मेटिव वीडियो सहित से पर्यटन स्टे हेल्दी एंड अलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फ्रेंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।